till the time Didi comes here. Didi is a multifaceted faculty dedicated to the service of humanity and God. She is on path of spirituality and meditation since childhood. She is a meditation guide, psychologist, counselor, trainer, researcher, and youth motivator. She is the LC coordinator of SPARC. This is called Spiritual Application and Research Center Wing, the research wing of Brahma Kumaris, Hyderabad. She is a recipient of India Book of Records and Asia Book of Record Awards for Spiritual Values Fair. So let's learn from Somlata Didi. Om Shanti. Good evening. So we are here to have a discussion about parent-child relationship. Sabhi parents baithe hain? Jo parents nahi hai, fir wo kya karenge? बनेंगे पेरेंट. ये तो अच्छी बात है. अच्छा, जो भी यहाँ आए हैं, व्हाट यू एक्सपेक्टेड व्हाइल कमिंग हियर, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? हम जाएंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में हम जानेंगे और जाके हम बच्चों को सिखाएंगे. Is that so? Is that so? क्या कहेंगे? Yes or no? Correct. Because we want our child to grow with complete discipline. We want our child to be completely a moral based person. So इसलिए whatever we discuss here today, we will have some takeaways. We will go to our home and we will explain our child, because it is written not for children. इसलिए आप सभी बैठे हो, तो यू विल बिकम अ मैसेंजर एंड यू विल टीच यूअर चिल्ड्रन उनको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है. इज दैट सो? नो? देन वॉट? ग्रेट. हम सीखेंगे पहले. जनरली वॉट हैपन्स, आज हम कुछ पेरेंटिंग की, पेरेंट की माइंडसेट के बारे में थोड़ा जानेंगे. एंड वन रिक्वेस्ट, जो भी पेरेंट्स नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर बहुत एनालिटिकल वे में पेरेंट्स की माइंडसेट को डिस्कस करने वाले हैं. सो माई रिक्वेस्ट, डोंट जज योर पेरेंट्स बिकॉज यू आर नॉट पेरेंट्स येट. इज इट ओके? कोई हाथ खड़ा कीजिए, कौन पेरेंट नहीं है? ओ माई गॉड, बहुत सारे हैं. बच्चे नहीं हैं लेकिन पेरेंट्स भी नहीं हैं बहुत सारे. ओके, माय क्वेश्चन हियर इज टू ऑल ऑफ यू, डू यू फील दैट यू हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ योर पेरेंट्स एदर ऑन योर माइंडसेट, एदर ऑन योर बिहेवियर स्किल्स, एनीथिंग? डू यू फील यू हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ योर पेरेंट्स? Yes, yes, from my side also. Because ये सृष्टि का नियम है, जहाँ पले बड़े हैं वो माँ बाप के संस्कार बच्चों में आ ही जाते हैं. Now, आज हम थोड़ा खट्टी मीठी बातें डिस्कस करेंगे या मीठी मीठी बातें डिस्कस करें, क्या करें? दोनों करें? तो आर यू रेडी टू एक्सेप्ट बोथ खट्टी और मीठी? सभी पेरेंट्स, हाँ जी या ना जी? रेडी? बहुत अच्छा. सो वी आर ऑल हियर विथ अ ओपन माइंड, बिकॉज फाइनली अवर गोल इज टू हैव अ हैप्पी होम, टू हैव अ गुड बॉन्ड्स विथ अवर फैमिली. फॉर दैट, is there anything which I need to understand more? Is there anything which I have to open a new way to understand my family members, maybe especially children?
Is it something that I have closed my door in some in making opinions? Maybe I have formed some opinion, maybe on children or some other else, and just I closed my door. Whenever I saw them, whenever I see them, I see with that fixed opinions. ऐसा कुछ है तो अभी वो डोर को ओपन करेंगे. सो लेट अस ऑल सिट हियर विथ एन ओपन माइंड. ये सभी रेडी है? अगर ओपन माइंड में बैठने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छा है. तैयार है सभी? राइट. माय क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन इज, who should change, children or parents? अभी अच्छा बोल लेते हो लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर क्या बोलेंगे आप? दिन भर यही बोलते रहते हैं ना बच्चों को, चेंज योर सेल्फ, डू दिस, डोंट डू दिस, हमको थोड़ा सीखो, तुमको कहाँ से आया ये करना, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं करता. So your answer here is different, and practically when you go to your home, your words will be different. So what answer I need? I don't need the answer which you give in the classroom. I want only one answer which you give in your practical life. तो अभी बताओ किसको चेंज होना है, सच सच बताना. Who should change? दोनों चेंज होना है. Right. That's a correct answer. Now, can you tell me in what areas they should change? In what areas they should change? Bataiye, bataiye. Pillalu ye vishayallo maarali. हाँ, डिसिप्लिन और हैबिट्स. ओके, देन बस इतना ही. डिसिप्लिन में, हैबिट्स में चेंज होना है, बस इतना ही. बिहेवियर में और लाइफस्टाइल में और जो बच्चे हैं वो बताओ. What we speak words or so. आप मुझे ये बताओ, don't you think there is a need for parents to change? Don't you think when children has to bring change in their lifestyles, don't you think parents should bring change in their parenting style? इतने सारे पेरेंट्स बैठे हैं, हर एक का अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल है. एंड फादर हैज़ वन काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल एंड मदर हैज़ एन अदर काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल. नाउ what will be the condition of that of the child? Confusion. And after some time he will analyze and he will go to that parent jahan par, jis situation mein unko kaun comfortable lagta hai wahan par chale jata hai, and he seeks either mother or father's support. Because आप से भी, मतलब बड़ों से भी बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, करेक्ट और नॉट? लेकिन हम क्या समझते हैं, तुम्हें क्या मालूम? तुम पहले सुनो ना मेरी बात. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेंज द व्यू ऑफ हाउ वी आर सीइंग द चिल्ड्रन. एज में आपसे छोटे हैं, डज इट मीन दैट दे आर लेस इन देयर इंटेलिजेंस? उनके एज, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उतने छोटेपन में
उनको इतना स्मार्टनेस मिला, डोंट यू थिंक दे आर सो इंटेलिजेंट? दैट मीन्स कुछ भी आप बोलो, दे आर वेरी, दे इजीली टेक इन टू देम, दे हैव द अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी. थोड़ा उनको ग्रूमिंग करो, थोड़ा उनको ट्यूनअप करो, वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए भी रेडी रहते हैं. सो एक तरफ एग्जाम्पल है शिवाजी का, दैट हो शिवाजी है ना एम्परर. कहा जाता है कि शिवाजी को उनकी मदर जिजियाबाई से पूरा पैट्रियाटिज्म, हीरोइज्म, ब्रेवरी टू गो इन टू द बैटल शिप, ये सारा उनको कहाँ से मिला? उनके माताजी से. और एक तरफ हमने सुना एक चोर की कहानी, कैसा चोर बना? बिकॉज ऑफ हिज मदर. मदर ने कभी कहा नहीं कि तुम चोर बनो, लेकिन क्या नहीं किया? व्हेन द चाइल्ड वाज ब्रिंगिंग समथिंग स्मॉल पेंसिल स्केल फ्रॉम हिज फ्रेंड विदाउट हिज देयर फ्रेंड्स हिज फ्रेंड्स नोटिस, एंड वो जब वापस घर आने के बाद when he was showing that scale and pencil to his mother saying that देखो कितनी चालाकी से ना, उनको भी मालूम नहीं पड़ा, उनके बैग से मैं उठा के लेकर आया. What should that mother do? पर उन्होंने stop नहीं किया. In fact, she was also thrilled. अच्छा, मेरा बेटा इतना smart हो गया जो उनको मालूम भी ना पड़े और वो scale लेकर के आ गया. So धीरे धीरे नेगेटिव को स्टॉप करना नहीं हुआ वहाँ पर. धीरे धीरे वो इतना बड़ा चोर बन गया कि क्या कहते हैं, जब भी वो मिले उनको फांसी का सज़ा ऑलरेडी डिक्लेयर है. ये चोर किस लिए बना, मतलब हु वॉज द रीज़न बिहाइंड हिज लाइफ स्टाइल? मदर. सो अभी I really respect parents. पहले what you say, mother. बच्चे को जन्म देने के लिए कितना pain suffer करती है, nobody can explain that in words. In scientific language, बहुत दर्द हो रहा है means, I think measure the pain in decibels or something है. So बहुत pain means I think they say 15 or 16 or something. But for a mother at the time of delivery, she experiences 40 numbers count pain. That is the reason it is said as rebirth for a mother while giving birth to her child. जितना मदर ग्रेट है उतना फादर भी ग्रेट है, कोई कम नहीं है. फिजिकल पेन मदर डिलीवरी के टाइम पे बेयर करती है, तो फादर ही बेयर्स ऑल द इमोशनल पेन, ही टेक्स ऑल दैट मेंटल पेन, ही टेक्स ऑल दैट मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, जितने भी विश्व की पेरेंट्स हैं, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है. आई रियली कैन अंडरस्टैंड बच्चों को, बच्चों की यू नो द पेन दे टेक टू रेज द चिल्ड्रन, कितना प्यार करते हैं पेरेंट्स. आज हम जब पेरेंट्स को पूछते हैं आप इतना नाइट ड्यूटी क्यों करते हो, या फिर आप अपने घर से आपका ऑफिस इतना दूर है क्यों इतना आप जाते हो, ओनली आंसर बाय पेरेंट्स इज हमारे बच्चों के लिए हम अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, इसीलिए हम इतना सारा हम कर रहे हैं. फादर सैक्रिफाइस कुछ बोल सकते हैं?
For example, let us say mother is a homemaker and father is going early in the morning. He is doing this work, that work, two, three works, businesses and job and all these things. And by the evening when he comes to home, maybe kabhi kabhi 6 bajta hai, 9 bajta hai, tab tak bachche so jate hain. Sometimes father cannot really show his love towards his children. Lekin phir bhi, isse wo santusht hai ki haan, mere bachche khush hai. Mere parivar खुश है, मुझे यही चाहिए. फिर सुबह सुबह चला जाता है. फिर सुबह जाते समय भी शायद बच्चे उठेंगे या नहीं उठेंगे, पता नहीं. तो फादर का सैक्रिफाइस कुछ कम है क्या? फादर ऑल्सो इज ग्रेट. मदर, नेक्स्ट वीक इज मदर्स डे. नो, हाँ, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ इज मदर्स डे. क्या करना है आप सभी को? हर मदर को जाकर के प्रणाम करो, उनकी वैल्यू को समझो. इतने पेरेंट्स इतना सैक्रिफाइस करके करते हैं. एंड लेट मी टेल यू, इफ योर एज इज 40, बट एज ए मदर योर एज कुड बी 20, है ना? जब से पेरेंट बने हो तभी से आप पेरेंट हो ना. जन्म से आप पेरेंट नहीं हो. सो व्हाट इज योर पेरेंटल एज? कितना है आपका, कोई बताइए? 30? किसका? 13. ओके. और 20, 10. मैरिज के बाद जो अनुभव आप पाते हो उससे बिल्कुल अलग आप और मैच्योर हो जाओगे पेरेंट बनने के बाद. अग्री? पेरेंट बनने के बाद रिलेशनशिप्स में एक मैच्योरिटी वी कैन ऑब्जर्व. तब तक तो हाँ ठीक है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन वो सब है. लेकिन जब आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, यू कैन सी द होल एनवायरनमेंट इन द हाउस, यू नो, इट बिकम्स वेरी हैप्पी. Automatically, that child brings maturity into your minds to both mother and parent. तब तक शायद अगर कोई इतना responsible नहीं है, for example, जब से बच्चा देखा उनके गोद में, automatically he becomes responsible. इतना अच्छा है बच्चे. और छोटे बच्चे ब्रह्मज्ञानी से भी बहुत महान है. क्यों? कहा जाता है ना, पिल्ललु परमात्म कंटे उन्नतमैन वाळ्ळु अंटारु. एंदुकनी? वाई? बिकॉज दट फ्रेश माइंड, देयर इनोसेंट माइंड्स इज ईक्वल टू गॉड, बिकॉज दे आर अनटच्ड विथ एनी वाइसेस, दे आर अनटच्ड विथ एनी वेस्ट, दे आर अनटच्ड विथ एनी नेगेटिविटी. वही कोई सन्यासी या कोई बाहर वालों को देखो, दे हैव सीन एवरीथिंग, उसके बाद उन्होंने त्याग किया. लेकिन बच्चे तो कुछ भी नहीं देखा, नेगेटिव का कुछ भी उनको मालूम ही नहीं है. इसलिए बच्चों के पास जाके नमन भी करते हैं, कई कन्याओं को पूजन भी होता है, बिकॉज ऑफ दिस इनोसेंस. एंड दिस इनोसेंस इज अनटच्ड विद एनी नेगेटिविटी. ऐसे बच्चे हैं आपके घरों में, घर कैसा होना चाहिए बताइए? घर कैसा होना चाहिए? मंदिर हो सकता है? घर, घर को मंदिर बना सकते हैं? घर को मंदिर बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइए. हम भी चाहते हैं, आप सब भी जान चाहते हो कि घर मंदिर बने, घर स्वर्ग बने, हमारा हर रिलेशन बहुत अच्छा हो, ताकि कोई दुख रोग कुछ ना हो, हम सभी अच्छा रहे, है ना? हम सभी यही चाहते हैं. लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस अगर हम ला सकते हैं तो ज़रूर
हम बहुत अच्छी तरह से हम ले सकते हैं। जो लक्ष्य हमने लिया है, घर को मंदिर बनाना, और यू हैव ब्रॉट अ न्यू सोल इनटू योर होम, आपने जन्म दिया एक प्राणी को, कोई कम बात नहीं है। उस प्राणी को किस प्रकार से आप रेज करते हो, द काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल विच यू ऑफर टू दैट प्राणी, दैट स्पिरिट, दैट सोल, दिस विल चेंज द होल गेम ऑफ दैट सोल। सो हाउ आई गिव ट्रेनिंग टू दैट सोल, जैसे मैं हूँ वैसे उनको बनाती हूँ, जो मैं राइट समझती हूँ वही उनको राइट बताती हूँ, जो मुझे नहीं मालूम है मैं उनको बता नहीं सकती हूँ। अब बात प्रश्न ये है कि मुझे जो मालूम है क्या वही कंप्लीट है, जिसको साइकोलॉजी में अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। व्हाट इज अवेलेबिलिटी बायस? आई हैव सम नॉलेज विथ मी अबाउट सर्टन थिंग, सो माई माइंड, मेरे मन में इतना अवेलेबल है डेटा उसके बारे में, बट इट इज़ नॉट द कम्प्लीट नॉलेज। मेरे पास इतना नॉलेज है बट इट इज़ नॉट द कम्प्लीट नॉलेज। बट वॉट आई विल डू, मेरे पास जो आधा आधा ज्ञान है, मेरे पास जो अवेलेबल डेटा है, उसी को मैं संपूर्ण ज्ञान समझ करके उसी को मैं अपने बच्चों को देना शुरू करूँगी। देन वॉट हैपन्स, क्या होता है? दिस इज वॉट इज हैपनिंग, द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। मीडिया में आप देखो, कुछ भी इश्यू होता है, दे प्रोवाइड यू ओनली दैट डेटा व्हिच इज फेवरेबल टू देयर चैनल और टू हूम दे आर फेवरेबल टू। किसी भी इश्यू का दोनों तरफ का एंगल्स लेकर के पूरा इश्यू, पूरा नॉलेज हमको नहीं देते हैं ये दिस मीडिया। सो आई एम गेटिंग सम डेटा फ्रॉम द सोशल मीडिया, विद दैट डेटा आई एम क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट दिस इज नॉट द कम्प्लीट डेटा, बट आई एम थिंकिंग दैट इज द कम्प्लीट डेटा। दिस इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी बायस। एम आई क्लियर? सिमिलरली आई नो समथिंग अबाउट मोरल्स, जितना मुझे मालूम है उतना बच्चों को मैं सिखाती हूँ, लेकिन मेरे पास जो है वो पूरा नॉलेज नहीं है, वो जो है थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर मैं डालती जाती हूँ, एंड दे गेट्स कन्फ्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल में हम यही सुनते आए कि पिताजी कहेगा कि देखो बेटा, अगर वो फलाना एक्स पर्सन कॉल्स मी, से दैट आई एम नॉट इन द हाउस। दिस ऑल हैपन्स इन द हाउस, एग्जैक्टली मे बी नॉट दिस एग्जाम्पल, बट दिस कुड बी इन अनदर फॉर्म इन योर हाउसेस। फिर वो कहेगा, जैसे पिताजी ने कहा वैसे बोलेगा, तो वॉट मैसेज फादर इज गिविंग टू हिम, वॉट मैसेज फादर इज गिविंग, हाँ झूठ बोलना ठीक है, लेकिन कब, मैं जब बोलूंगी तब तुम झूठ बोल सकते हो। दैट इज वॉट द इम्प्रेशन वॉट फादर होल्ड्स। सी, फादर कुड बी राइट इन हिज फ्रॉम हिज एंगल, वाई दैट पर्सन इज कॉलिंग, तंग करना है या क्या, यू नो वी डोंट नो दैट अदर एंगल। सो फादर वॉट ही वॉज एक्सपेक्टिंग इज अवॉइडिंग दैट फोन कॉल, मे बी करेक्ट फ्रॉम द फादर्स एंगल, but all these things the small child is not aware of, but all these things, so father sirf yahi samjhega, bachcha main jo bolta hu na bas tum wahi karo, zyada nahi socho. So what message father is giving to his child? Acha, kabhi kabhi jhoot bol sakte hain,
फिर नेक्स्ट डे वो जब आकर कुछ और झूठ बोलेगा बट विच इज़ नॉट कमांडेड विच इज़ नॉट टोल्ड बाई हिज फादर. पिताजी ने नहीं कहा नेक्स्ट डे झूठ बोलने के लिए, बच्चा खुद बोल दिया झूठ. और जब पिताजी को मालूम पड़ा तो डांट पड़ा, मार पड़ा. नाउ ही इज़ इन अ कन्फ्यूजन. मुझे क्या करना है, कल तो तुम बोल रहे थे झूठ बोलने के लिए, जब मैं वही आज कर रहा हूँ तो आप मुझे डांट रहे हो. वॉट आई एम टेलिंग हियर इज फादर माइट बी राइट फ्रॉम हिज एंगल बट देर इज सम अवेलेबिलिटी बायस. उनको उन्होंने वो क्या है, झूठ नहीं बोलना, ये जो मॉरल डिसिप्लिन है उनके बारे में उनका यही विचार है कि आई नो वॉट आई एम डूइंग, देर इज़ नो नीड फॉर मी टू गिव एक्सप्लेनेशन टू माई चाइल्ड वाई आई एम डूइंग दिस, बस ही हैज़ टू फॉलो माई कमेंड. दिस इज द हाफ नॉलेज वॉट ही हैज़ अबाउट द मॉरल्स. क्या यही बच्चों के पास जाएगा, वो थोड़ा और ज़्यादा और भी नेक्स्ट दे आर रेडी टू टेल अनदर लाई द नेक्स्ट डे. एम आई क्लियर? सो वॉट शुड वी डू एट दिस इंस्टेंस, बताइए. अब ये सिचुएशन तो हर एक को आता ही है, बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ फिर क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो बताइए क्या करना चाहिए. क्या करना चाहिए, करेक्ट. चाइल्ड का एज देख करके उनको जितना बोलना है थोड़ा आपको बोलना चाहिए. अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, आई विल जस्ट ऑर्डर यू, बस यू हैव टू फॉलो दैट, यू शुड नॉट क्वेश्चन मी. हाउ कैन यू क्वेश्चन मी, डोंट यू थिंक दैट आई नो नथिंग. मैंने जब कुछ कहा तो फिर प्रश्न क्यों पूछते हो. दिस इज कॉल्ड अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग. बच्चों को प्रश्न पूछने से जब जब आप रोक रहे हो तब तब आप समझ लो कि आप बच्चों की उन्नति की भी रोक कर रहे हो. कितने सारों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने देखा कि दोज चिल्ड्रन हु वर नॉट अलाउड टू आस्क सिंपल क्वेश्चंस ऑल्सो, दीज चिल्ड्रन आर सो रिजर्व्ड, दीज चिल्ड्रन आर वेरी लेस इन देयर कॉन्फिडेंस लेवल्स दैट दे आर नॉट रेडी टू आस्क एनी डाउट्स दे हैव टू टेक क्लैरिफिकेशन विद देयर टीचर्स इन द स्कूल. वाई, उसका बीज कहाँ पड़ा, घर में. ओ क्या फीडिंग दे दिया गया है बच्चे को, यू कैनॉट आस्क एनी क्वेश्चंस. कुछ रिलेट कर पा रहे हो, आई थिंक सम ऑफ यू वर इमेजिनिंग योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन. हमको भी शायद कई लोग जहाँ जो यहाँ बैठे हैं उनको भी क्वेश्चंस पूछने का मौका नहीं मिला है शायद. सो जब भी आप अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग बनते हो, देखिए पेरेंटिंग स्टाइल कुछ भी हो लेकिन मैं बता रही हूँ, ऑल पेरेंट्स आर वेरी नाइस, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है, बस उनका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है. आज हम वो डिफरेंट स्टाइल्स को थोड़ा चेंज करके किस प्रकार से हम कर सकते हैं वो थोड़ा सोच डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे हैं. कैसे करना है, देर इज़ नो वन रूल. प्लीज़, योर चाइल्ड इज़ डिफरेंट, योर चाइल्ड इज़ डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट. इसीलिए हर एक को एक ही स्टाइल हम कहाँ बोल सकते, देर इज़ नो वन रूल फॉर करेक्ट पेरेंटिंग. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द
kids mentality, depending on the parents mentality, वहाँ आपको बहुत critical analysis करके आपको ये सारा decide करना पड़ेगा. When I was taking this topic in some IT company, one mother who is an IT employee of that company, she was telling the problem of her daughter. Choti bachi hai, I think third class or fourth class. She says that when I go back to my home, it's almost 6 or 7. So when I go to my home, my daughter is not much interested to come to me because my parents also stay with me. And इसलिए वो हमेशा मेरे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती है, मेरे पास कम रहना पसंद करती है. क्यों क्यों आपके घरों में ऐसा हो रहा है? यस हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? पेरेंट्स अवेलेबिलिटी कम हो गया है, इसलिए बॉन्ड जो है, अटैचमेंट जो है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो रहा है. एंड व्हेन, इसमें अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, क्या बोलो? अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट दे आर गेटिंग द बड़ों की छत्र छाया तो मिल रहा है, बड़ों की साया तो मिल रहा है. आजकल कहाँ ग्रैंड पेरेंट्स मिल रहे हैं. तो ये घर जाने के बाद, मदर व्हेन शी गोज बैक टू होम एंड शी व्हेन शी आस्क, होमवर्क कंप्लीट किया, टैबलेट लिया क्या, टीचर ने क्या बोला, तुम्हारा बुक दिखाओ, दिस गर्ल इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दोज क्वेश्चंस. जब भी मम्मी आती है, क्रश क्वेश्चंस पूछती है, होमवर्क किया, रूल्स बताना, मुझे डिसिप्लिन सिखाना, हमेशा मम्मी कुछ ना कुछ सिखाती है. व्हाट शुड आई डू? अब बताओ क्या करना है. क्या करना है बताओ. बच्चों के लिए ही आप जॉब कर रहे हो, सुबह जाके फिर शाम को वापस लौटते हो, क्या करना चाहिए? हाँ जी, इवन फॉर दैट ऑल्सो दे हैव टू गिव टाइम टू लिसन. यस, अवेलेबिलिटी का इतना ज्यादा क्राइसिस हो गया है. मैं बताऊं, बहुत दुख हुआ मुझे ये बात सुन के कि रिसेंटली नाउडेज पेरेंट्स आर एबल टू गिव ओनली मनी टू देयर किड्स. और ज़्यादा कुछ दे नहीं पा रहे हैं, ओनली मनी. मनी पे करो, इंटरनेशनल स्कूल में ज्वाइन कर दो. स्कूल में, स्कूल से आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर, म्यूज़िक है, डांस है, कुछ भी है, वहाँ पर भेज दो. समर है तो समर कैंप में भेज दो. कभी कभी आप शाम को, रात को, 7 o'clock, 8 o'clock, जब ऑल फैमिली मेम्बर्स मीट, उस समय भी सभी क्या करते हैं, क्या करते हैं? IPL मैचेस, करेक्ट. तो सभी अपने अपने इंटरेस्ट में, अपने अपने ऑफिस वर्क में सब इतना बिजी हो गए हैं, नोबडी इज रेडी टू गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन. एंड Do you see the karma effect? Have you observed? आजकल बच्चे भी यही कहते हैं, हम जॉब कर रहे हैं, पेरेंट्स को देने के लिए हमारे पास पैसा है, और कुछ हम दे नहीं सकते. See, karma bounce back the same thing.
जो पेरेंट्स कहते थे हमारे पास मनी के अलावा हम प्यार नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, पैसा है ना, तुम जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जाओ, पैसा दे रहे ना, अच्छे से पढ़ो, पैसा दे रहे ना, क्या कमी है तेरे को, आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल द टॉप फैसिलिटीज़, मैं अपना खुद का सैक्रिफाइस करके आई एम सैक्रिफाइसिंग माई ओन इंटरेस्ट, मैं अपना हेल्थ को भी त्याग करके तेरे लिए पैसा कमा रहा हूँ, सो बी ऑन योर ओन, करो तुम अपना अपना। द सेम कर्मा इज बाउंसिंग बैक टू द पेरेंट्स। आज बच्चे भी यही कहते हैं, मम्मी पापा पैसा ले लो, केयर टेकर रखो, हम आपके पास बैठना, हम आपकी सेवा करना, दिस इज ऑल इज नॉट पॉसिबल नाउडेज। ये खुद मैंने उस महिला से सुनी, उस मदर से सुनी जो जॉब नहीं करती है, शी इज़ अ होम मेकर, फिर भी वो कहती है बच्चों से बैठ के बात करने के लिए भी टाइम नहीं है और मुझे अपनी मदर को देखना भी टाइम नहीं है, हम बहुत अच्छा कमा रहे, मेरा पति बहुत अच्छा कमाता है, हम अपने पेरेंट्स को पैसा भेज रहे हैं। बताओ ये कहाँ की ये हुआ। इस दिन के लिए आप इतना कर रहे थे, इस दिन के लिए क्या बीज कहाँ ना कहाँ पेरेंट्स ने ही तो नहीं डाला। थोड़ा फियरिंग फैक्ट, कड़वा सच, इसलिए मैंने कहा खट्टी मीठी बातें सुनेंगे, ज्यादा कड़वा नहीं लग रहा ना क्या? अगर फैक्ट्स को सुनना है तो सुनना पड़ेगा। अब जो मैं जो छोटी बच्ची के बारे में बता रही थी, वो सारा टाइम अपनी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के पास रहती है और शी फील्स वेरी कंफर्टेबल विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। इसमें एक ये हो सकता है, जैसे किसी ने शेयर किया कि ऑलवेज डोंट एक्सप्रेस योर पर्सनालिटी एज इफ यू आर मोर डिसिप्लिन्ड एंड यू आर ऑलवेज टेलिंग अबाउट द रूल्स। रूल्स मोरल्स आर करेक्ट, लेकिन कब सिखाना, कितना सिखाना, कैसे बोलना, कितना प्यार से बोलना, कितना स्ट्रिक्टली बोलना, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। जैसे आप जॉब के लिए अपडेट होने के लिए ये कोर्स ज्वाइन करते हो, वो करते हो, दो इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, बट हाउ मच यू लर्न एंड यू अपडेटेड इन योर प्रोफेशनल लाइफ। व्हेन यू आर able to update yourself, learn new things regarding your professional course, can't you really learn about the behavior skills? When the topic comes about learning behavior skills, we say, अरे मेरे बेटे से मैं थोड़ा प्यार से नहीं बात कर सकती, मेरे बच्चों को मैं डांट नहीं सकती, मैं अपने बच्ची को होमवर्क किया क्या ये नहीं पूछ सकती, why all these questions? Can't we change? जो फर्स्ट प्रश्न सेशन के स्टार्टिंग में मैंने पूछा, डू यू फील दैट यू हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ योर पेरेंट्स और नॉट, सभी ने क्या कहा? हाँ। अब ये इन्फ्लुएंस में थोड़ा विस्तार से मैं पूछूंगी, डोंट यू फील दैट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स माइंडसेट आप आज भी कुछ ऐसा वैसा संस्कार जो है वो चेंज नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज इट इज़ डीपली रूटेड, है ना? कहते हो अरे क्या करूँ, माय मदर आल्सो इज़ लाइक दैट, कहते हो अरे माय फादर इज़ आल्सो लाइक दैट, वो आ गया मेरे में, मैं कितना भी सोचूँ ना वो नहीं चेंज हो कर पा रही हूँ। सी हाउ संस्कारों का इफेक्ट होता है। द सेम थिंग when you are giving the same sanskaras to your children, how can you expect a different and good kind of behavior from your children? aise maa baap blessed hain
जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग वो सब करने के बावजूद उनके बच्चे अच्छे बच्चे हैं, तो वैसे पेरेंट्स ब्लेस्ड हैं. बट लेट मी टेल यू, दोज पेरेंट्स माइट हैव नॉट डन कंप्लीटेड देयर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए बच्चों को जन्म देना जितना क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट है, जितना कठिन है, पेरेंटिंग ऑल्सो इज सो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. आप में से कोई मुझे ये बता सकते कि अगर मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं करते तो शायद आज मैं ऐसा नहीं रहता, ऐसा कुछ है किसी के पास? है कुछ ऐसा? शेयर करेंगे? आई थिंक मैक्सिमम पीपल हैव सम बिटर एक्सपीरियंस विद देयर पेरेंट्स. यस और नो? यस और नो? कुछ बोल नहीं रहे? यस और नो? यस. डज दैट बिटर एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस्ड योर लाइफ एंड थिंकिंग स्टाइल? यस. यस. क्या हम भी ऐसा बनना चाहते हैं जो आपके बच्चे भी बड़े होकर के कहे कि मेरे पेरेंट्स से मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं ऐसा बना? यू डोंट बिलीव व्हेन वी गो टू स्कूल्स, बच्चों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के प्रोग्राम्स की अवेयरनेस देते समय हम जब स्कूल्स में जाते हैं, यू डोंट बिलीव, बिकॉज मुझे भी बहुत सरप्राइज लगा. बच्चे अपने जब हमने चिट्ठी लिख करके देने के लिए कहा, गॉड को लेटर लिखो या कुछ भी, सो डीप एंड इमोशनल पॉइंट्स दे वर मेंशनिंग इन देयर लेटर्स, दे से दैट सिस्टर आई रियली घर जाने की मन नहीं करता है, माय मदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट या माय फादर इज़ सो एंड सो. छोटे बच्चे, फिफ्थ क्लास सिक्स्थ क्लास के बच्चों की लेटर्स की बात मैं बोल रही हूँ. व्हाट इज ऑल दिस? अब बताओ, हु शुड चेंज? हु शुड चेंज? क्यों पेरेंट शब्द नहीं निकल रहा मुख से? चेंज नहीं होना चाहते या बोलना नहीं चाहते? एक बार मेरे पास वन फादर केम टू मी विथ हिज मे बी सिक्स ईयर्स ओल्ड डॉटर. उन्होंने कहा कि सिस्टर, यू नो नावे डेज माई डॉटर हैज़ डेवलप्ड वेरी ऑड ओ मैनरिज्म, कि ये जो है ना वो ऐसा मुख में रखे इसको ऐसा, यू नो शी स्टार्ट बाइटिंग हर फिंगर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बहुत ऑड मैनरिज्म है. हमने बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन हम नहीं कर पाए, आप थोड़ा मदद करो. ठीक है, बच्ची को बिठाई, बाजू में पिताजी भी है. I was asking something to that child. Then थोड़े समय के बाद मैंने ये observe किया कि she is not comfortable to open up before her father. When I observed this, I asked her father to sit in the beside room. And you will not believe, जैसे पिताजी बाजू के कमरे में गए, now she feels that ना मैं अब बोल सकती. क्या बोली पता है? दीदी, आई नो दैट इट इज अ बैड मैनरिज्म, बट ना जब भी मुझे दुख होता है, जब भी मुझे टेंशन में आती हूं ना मैं,
तब ऐसा बाइटिंग करती हूँ। क्या टेंशन है तुमको? यू नो व्हाट शी सेड? सभी पेरेंट्स के लिए चेतावनी है। बच्ची ने कहा कि माय मदर बीट्स मी वेरी हार्ड, इतना मारती है, बहुत जोर से मारती है, बहुत लगता है, कभी कभी कानों पर भी बहुत ऐसा लगता है, तो दर्द होता है तो रोना आता है ना, जब मैं रोती हूँ फिर और दो थप्पड़ लगाती है। चुप, रोना बंद, कहा ना रोना नहीं है, बंद करो ना। हु शुड चेंज? बच्ची को मैनरिज्म स्टॉप करना है। हु शुड चेंज? जब तक मम्मी जोर से डांटती रहेगी, मारती रहेगी, और पता नहीं कैसे कैसे वो मैनरिज्म्स बनते जाएंगे वो बच्ची में, और फिर जाकर कहेंगे ये बच्ची ऐसी है, हमारी बात नहीं सुनती है। आप बताओ, आप में से कितने लोग बच्चों को मारते हो? डिसिप्लिन सिखाना है ना बच्चों को, कितने लोग मारते हो? अच्छा ये बताओ, जब हम बच्चे थे हम सभी ने मार खाई? मार खाई, हम सभी ने मार खाई। एक दो बार डांट पड़ा, मार पड़ी, वो अलग बात है। हम्बल रिक्वेस्ट टू मदर्स एंड फादर्स, डिसिप्लिन के नाम पे बच्चों को हैरास नहीं करो प्लीज। मैंने जब उनको कहा, मतलब बच्ची को फिर बाजू में भेजी, पर्सनली उनके पिताजी से बोली कि दिस इज द सिचुएशन, अब क्या करना है। फादर नोज ऑल दीज थिंग्स बट ही इज नॉट स्टॉपिंग हिज वाइफ बिकॉज मदर सेज तुम चुप रहो, तुमको कुछ भी नहीं मालूम। बच्चे को ऐसे ही छोड़ेंगे ना तो फिर बात नहीं मानती, फिर बड़े होने के बाद ये ऐसे बिगड़ जाएगी, तुम सुधरेगा इसको? ऐसा क्वेश्चंस, ऐसा उल्टा टेढ़े मेढ़े जस्टिफिकेशन देंगे पेरेंट्स कभी कभी कि यू नो इवन हस्बैंड्स और वाइफ्स, आई मीन यू नो द पार्टनर्स ऑल्सो कैन नॉट स्टॉप देम। आई से दिस इज अ वायलेंट बिहेवियर। जो पहले हम सोचते थे ना फॉरेन कंट्रीज में मारना मना है, सो व्हेनेवर इवन स्मॉल चाइल्ड इज अवेयर दैट व्हेन माय पेरेंट्स आर बीटिंग मी और फिजिकल वायलेंस हो रहा है, सो दे हैव अ फोन नंबर ऑन द बैक ऑफ देयर नोटबुक्स, डू यू नो दैट? तो छोटे बच्चे भी फ़ोन करके बोल सकते आज मेरे मम्मी ने मुझे मारा, आप उनको, मैं आई वॉन्ट टू फाइल ए केस ऑन हर। सच ए फ्रीडम दे हैव। आजकल यहाँ के बच्चे भी कर रहे हैं। वाई? कर्मा रिटर्निंग बैक। किसने आपको अधिकार दिया बच्चों को इतना स्ट्रिक्टली मारने के लिए? आज और एक काउंसलिंग केस में बताऊंगी। फादर इज सो रिजर्व्ड पर्सन, उनका जितना भी प्यार है वो बस अपने अंदर ही रखता है, बाहर ही इज नॉट सो एक्सप्रेसिव इन एक्सप्रेसिंग हिज लव, लेकिन बाहर से वो सिर्फ क्रोध दिखाता है। एंड सेम फाइव ईयर्स और सिक्स ईयर्स एज वो बच्ची का, व्हेनेवर द स्मॉल चाइल्ड डॉक्टर कुछ भी छोटी सी भी गलती करती है ना, इतना बड़ा पनिशमेंट वो देता है कि सुन के ही मुझे डर लगा, पता नहीं बेचारी वो बच्ची कैसे सहन किया। से फॉर एग्जाम्पल ग्लास को पकड़ना है, छोटे छोटे हाथ हैं, ग्लास को पकड़ना कभी कभी नहीं होता है। व्हेन वो ग्लास वो स्लिप्स फ्रॉम हर हैंड, हो गया कम, इतना मारता है। अरे मम्मी कहती है, मदर कहती है इतना नहीं मारो, छोटी बच्ची है। नहीं,
बच्चों को अभी से ही सिखाना है, अभी नहीं सिखाएंगे तो कब जाके सीखेंगे। और थोड़ा कुछ होमवर्क नहीं किया, ये टाइम पे होमवर्क नहीं हुआ, ये टाइम पे कुछ नहीं हुआ, 4 आवर्स उन्होंने अपने बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया। कैन यू बिलीव दिस? ऐसे पेरेंट्स भी हैं। सच में ऐसे पेरेंट्स हैं इस दुनिया में। अब बताओ बच्चे फिर क्या करेंगे? ऐसे बच्चे, आप ये नहीं सोचो कि आजकल जो भी एडोलेसेंट्स, जो भी मेजर काउंसलिंग के लिए आते हैं, 50-60% ऑफ दोज मेंटल प्रॉब्लम्स हैव देयर रूट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। उनको मालूम नहीं है, अंदर ही अंदर घुटन सा फीलिंग, बच्चों को अंदर ही अंदर कुछ बोल नहीं सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जा सकते, सहन नहीं कर सकते रह के, कितना मेंटल ट्रॉमा दैट सोल हैज फेस्ड, एंड फाइनली व्हाट वुड बी द रिजल्ट? ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद सपोज कुछ हासिल नहीं करते हैं, सपोज दे आर नॉट सो सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दिस मेंटल ट्रामा, फिर बच्चों पर उंगली उठाते हैं, वो बच्चे को देखो, वो मेरा कजिन का बेटा देखो कितना अच्छा है, तुमने देखो कुछ भी नहीं किया, फिर शुरू करते हैं कंपैरिजन। आजकल मैंने एक जोक पढ़ी, जब पेरेंट्स कहते हैं ना बच्चों को, वो देखो फर्स्ट आया, इसका बेटा देखो फर्स्ट आया, मेरा फ्रेंड का बेटा देखो उनको फॉरेन में जॉब मिला, तुमको क्या मिला, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो बच्चा पूछता है, बच्चा मतलब यंगस्टर, अनिल अंबानी को देखा तुमने, टाटा बिरला को देखा तुमने, तुमने क्यों नहीं इतना कमाया? तो आप बच्चों को कंपेयर कर सकते हो, तो बच्चे धीरे धीरे बढ़ के इतना स्मार्ट हो जाते हैं, आपको कंपेयर करना शुरू करते हैं। आप कहाँ जाओगे वो टाइम? मुंह दिखलाने के लायक हो क्या आप? आप क्यों नहीं कमाए इतना फिर? अंबानी जैसा, टाटा बिरला जैसा क्यों नहीं बने? उनके जैसा क्रिएटिव क्यों नहीं बने? उनके जैसा बिजनेस आपको क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? You have a big list of reasons for your this thing. बच्चे कुछ नहीं बोलना, हमेशा टॉप आना। टॉपर ऑल्सो, आजकल मैं पेरेंट्स का देख रही हूँ, फादर एंड मदर का, कितने मार्क्स मिला? 91। टॉपर का कितना है? 94। बस 3 मार्क नहीं मिला टॉपर का, उसके डांट मिलती है, 91 का अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। उसका जस्टिफिकेशन क्या कहते हैं पेरेंट्स? आई वॉन्ट टू सी माई चाइल्ड एज अ टॉपर। वाह, तो ये तरीका है। कभी भी कंपेयर नहीं करो, कृपया करके, प्लीज। आप मुझे सच सच बताओ, कंपेयर करते हो ना? आप कंपेयर करते हो ना बच्चों को? इनको दिखाते, सी रोल मॉडल इज अलग, लेकिन रोल मॉडल, मैंने किसी को अपना रोल मॉडल निश्चय किया है, मुझे ऐसा बनना है, सो ऑलवेज आई कंपेयर माई सेल्फ विद दैट एग्जाम्पलरी पर्सनैलिटी। हाँ, मुझे ऐसा बनना है, लेकिन आप मुझे बार बार टॉन्ट करो, तुमने नहीं बना, तुमने क्या किया, फिर इतना पैसा गवाया तुमने, ये पूरा टॉन्ट 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 मार के बच्चों के इंटरेस्ट जो है आपने पूरा खत्म ही कर दिया। दिस इज यू नो व्हाट इज कॉल्ड एज अटैचमेंट, नॉट लव। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। लव इज अ प्योर फीलिंग, जिसको हम प्यार कहते हैं। अटैचमेंट इज मेरा बच्चा,
मेरा सुनना, मैं कुछ भी उनको बोल सकती हूँ। मेरा पेरेंटिंग स्टाइल करेक्ट है, जिसको हम कहते हैं मोह, अटैचमेंट। जब भी हमारे में वो मेरापन आता है तो प्यार ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है अटैचमेंट में। जब अटैचमेंट आता है तो हमारा विवेक खत्म हो जाता है। जैसे आप सब बड़े बैठे हो, आपको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना एक्सपीरियंस, इतना विवेचन आप में तो है। लेकिन क्या करना बच्चों के साथ ये नहीं मालूम, बस जन्म दिया, हम पेरेंट बन गए, पार्टीज में देखो वह इनके जैसा सुंदर फैमिली कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा दिखावा, ऐसा सुंदर फैमिली, अंदर जाओ तो भगवान जाने। तो इसलिए बहुत सारे हम्बल रिक्वेस्ट कर दिया मैंने। आज से फिर क्या परिवर्तन लाएंगे पेरेंट्स? पहले जमाने के पेरेंट्स और बच्चे ब्लेस्ड हैं। पहले जमाने में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिलीज में पेरेंट्स को कहाँ टाइम मिलता था बच्चों को बिठाओ, कुछ बोलो, कुछ करो, पर्सनल अटेंशन कहाँ मिलता था। एक घर में 5, 6, 10 बच्चे सब मिलके खेलना कूदना, फिर सभी को बिठा करके मम्मी पापा भोजन खिलाते, सभी को बिठा करके कहानी सुनाते, ये सब करते थे, पर्सनल अटेंशन कहाँ मिला। फिर भी पहले ज़माने के बच्चे ही अच्छे हैं। आजकल जो आप सोचते हो ना, आजकल के पेरेंट्स, जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए, मम्मी पापा साथ में नहीं चाहिए, हमारे इन लॉज हमारे साथ नहीं होना चाहिए, बस हम और हमारे बच्चे इतना ही बस है, वो नहीं चाहिए, फिर आप क्या कर रहे हो अपने बच्चों के साथ? आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज भी नहीं, एक सिंगल यूनिट ऑफ फैमिली भी खत्म हो गया। फादर स्टेज समवेयर, मदर स्टेज समवेयर, बच्चे हॉस्टल में, वन सिंगल न्यूक्लियर फैमिली, एक यूनिट जैसा रहना भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया। जॉइंट फैमिलीज की बात छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। टाइम हैज़ चेंज्ड इन अ वेरी एडवर्स मैनर। मैं कहती हूँ ये सब क्यों हो रहा है मालूम है? थोड़ा पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं शायद, अग्री? क्योंकि मैंने पर्सनली देखा जिनको ज़्यादा पैसों के पीछे पड़ के ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। मदर्स फिर क्या कहते हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, घर बैठे अपने बच्चों बच्चे की संभाल करूँ क्या, इसीलिए मैंने पढ़ी क्या, थोड़ा तो मैंने जो पढ़ा उसका थोड़ा ये होना चाहिए, इसलिए जाके जॉब करते हैं। बट आई एम सॉरी टू से, आई डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग स्टाइल। पैसा है, पर्याप्त है आपके पास, यू हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी विथ यू, दोनों जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों पैसे के पीछे भाग दौड़ करते हो? क्या मदर बन के रहना आपके लिए बहुत अंडरमाइनिंग अंडररेटेड जॉब है? माँ बन के रहना इज़ नॉट ओके टू यू, किसी बॉस के नीचे सर सर कह के घूमना इट इज़ ओके फॉर यू बिकॉज यू आर गेटिंग 1 लाख 2 लाख रुपीस। आजकल बड़े भी यही पॉइंट को समर्थन कर रहे हैं, कहते हैं तुम जाओ जॉब पे, हम है ना बच्चों को संभालेंगे। पेरेंट्स भी आजकल वही कहते हैं, इसलिए ग्रैंड पेरेंट्स को बुला रहे हैं, कहते हैं हाँ बच्चों को पैदा किया, अपने पेरेंट्स को सौंप दिया
और मैं चल पड़ी जॉब पे. दिस इज नॉट करेक्ट प्लीज. फिर आप कहते हो मेरी बच्ची मेरे पास नहीं आती है, मेरी बात नहीं सुनती है. हाउ विल शी लिसन? बिकॉज अगेन आई विल से कर्मा कम्स बैक. आपने कमाई के लिए, जॉब के लिए, स्टेटस के लिए हायर प्रायोरिटी दिया, मदर बनने के लिए आपने कम प्रायोरिटी दिया. द सेम यू विल गेट फ्रॉम योर चिल्ड्रन. दे ऑल्सो फील से यू आर माई नेक्स्ट प्रायोरिटी, माई प्रायोरिटीज आर डिफरेंट. कर्मा विल नॉट लीव एनी वन. ये बहुत गुह्य बात है, थोड़ा सोच समझ करके अपना डिसीशंस लीजिए लाइफ का. पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, योर चिल्ड्रन आर इम्पॉर्टेंट. आई मीन दिस क्वेश्चन इज फॉर दोस हु हैव सफिशिएंट मनी. क्या कहेंगे? व्हिच इज व्हिच शुड बी देयर प्रायोरिटी? अर्निंग मनी और रेजिंग चिल्ड्रन? कौन? क्या? चिल्ड्रन. आजकल पैसा कमाना ही, पैसा में परमात्मा, पैसा में ही सब कुछ है. एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू, वेरी मिजरेबल थिंग. पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास इतना पैसा है, हम पैसा दे देंगे, मेरा बेटे को क्यों तकलीफ उठाना, बस वो जाएगा फ्लाइट में, वो जाएगा हमेशा होटल में जाएगा तो सूट रूम में रहेगा, मेरे बच्चे को क्या कमी है. पैसा दे करके बच्चों को आप इतना आलसी, आप इतना अनएक्सपीरियंस्ड, आप बच्चों को इतना लाइफ एक्सपीरियंस से दूर लेकर जा रहे हो कि बच्चों को आजकल वैल्यूज़ क्या है, इकोनॉमी क्या है, लाइफ में मेहनत करके सक्सेसफुल कैसे होना, दे डोंट नो. वो मैच्योरिटी नहीं आई है, इसलिए लाइफ में छोटी सी भी सिचुएशंस है ना, कुछ भी बात आती है तो बच्चे आजकल सुइसाइड करने के लिए भी दे आर नॉट हेजिटेटिंग. कितने घरों में हमने नहीं देखा सिंगल वर्ड फ्रॉम ए टीचर, क्यों एक मार्क कम हुआ, पेपर में भी आया कुछ साल पहले. दैट बॉय वॉज ऑलवेज टॉपर इन द क्लास, लेकिन क्लास में सभी के सामने टीचर ने कुछ कहा, वेरी सिंपल स्मॉल कुछ तो कहा, वाई लाइक दिस, वाई मार्क्स कम मिला, बस उनको इतना ठेस पहुंचा. वो स्कूल का बच्चा, आई थिंक 8th और 9th क्लास बॉय, इतना ठेस पहुंचा, इतना ईगो ऑफेंड हुआ उनको, जाके सुइसाइड कर लिया. क्या ये सब कौन सिखाएगा कि देखो यू हैव टू बेयर ऑल द इंसिडेंट्स, ईगो में नहीं आना है, बस पैसा दो बच्चों को, बस छोड़ दो. वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं. पैसे देके आप बच्चों के लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, ये कहाँ की प्यार है, ये कहाँ की पेरेंटिंग है. इसीलिए हमको क्या करना है, फिर कैसे रहना है. द बेस्ट रोल मॉडल ऑफ ए बेस्ट पेरेंट इज गॉड. त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव. वॉट प्रेज वी सिंग इन दिस श्लोक, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव. हे भगवान, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, बंधु सखा विद्या सर्वं मम देवा. यू आर एवरीथिंग टू मी. ही इज सुप्रीम सोल. वो परम आत्मा है, हम सब उनके बच्चे हैं, आत्मा है. कोई कैसा है, हम में भी कोई कैसा है, कोई कैसा है,
कोई शुरूड बुद्धि है, कोई कम बुद्धि वाले हैं, कोई सिंसियर है, कोई सिंसियर नहीं है, कोई चंचल है, हम सब कितने अलग अलग स्वभाव वाले बैठे हैं, लेकिन हम सबको भगवान एक ही प्रकार से प्यार करता है. एंड द ओनली वेपन विच गॉड यूजेस टू चेंज हिज चिल्ड्रन इज प्यार, लव. रोज प्यार से हमको इतना सींचेगा, इतना प्यार से हमको ये करेगा, बस प्यार से ही हम सब बदल गए. मार के, पीट के, डांट के, टॉन्ट करके आप बच्चों को चेंज नहीं कर सकते, अंडरलाइन कर दो. भले ही आप जब तक हैं डर के मारे, आप जब तक हैं तब तक वो कुछ करेंगे नहीं. आप थोड़ा उधर जाएंगे कहीं, अगेन द सेम संस्कार विल एमर्ज इन देयर एक्शंस. चेंज करना हो तो कैसे चेंज करो? प्यार दो. अगेन आई एम टेलिंग, मोह नहीं, रियल लव. इतना प्यार बरसाओ बच्चों पर, इतना प्यार दो कि बस उनको प्यार, प्यार की मॉरल बेस्ड लिविंग सब समझ में आ जाए सिर्फ आपके प्यार से. The one thing by which I was attracted to this organization is यहाँ का जो regular सत्संग होता है उससे मैं बहुत attract होके यहाँ पर आ गई. So you all must be aware of that regular सत्संग जिसको हम कहते हैं मुरली क्लास, जिसमें पहला the God's version में first line, first word, you know what is that? वाह, इतने मीठे बच्चे बैठे हैं फिर यहाँ पर, तो आपके बच्चे भी मीठे मीठे होने चाहिए. तो रोज आज भगवान ने इतना अच्छा सारा समझानी दी है, फिर सपोज मैंने कुछ किया नहीं, बाबा ने जो कहा भगवान ने, कल की मुरली में फिर क्या मुझे डांटेगा? अरे कड़वे बच्चे, अरे आलसी बच्चे, कभी कहा भगवान ने ऐसा? नहीं कहा. कल भी मैं सुनती हूँ यही शब्द मीठे बच्चे, परसों भी यही सुनती हूँ स्वीट चिल्ड्रन. प्यार से भगवान ने हम सबको चेंज किया है. प्यार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. लेट मी टेल यू, काम वाली को भी आप डांट नहीं सकते. डांट सकते आजकल? आज डांटेंगे कल वो नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल. अरे बाबा कल मैंने थोड़ा मुझको बोल दिया, चलो वो जब कल से जब आएगी ना, थोड़ा उसको प्यार करेंगे, खाना के लिए देंगे कुछ कुछ प्यार से. अरे काम वाली को भी हस्बैंड को डांट सकते, करेक्ट. दिस इज व्हाट इज अ मिजरेबल कंडीशन ऑफ फैमिली बॉन्ड्स नाउअडेज. हंसी हंसी में भी कहा आपने, लेकिन ये कड़वा सच है. हस्बैंड को डांट सकते, बच्चों को भी डांट सकते, क्योंकि हमारा पूरा अधिकार है. हमने जन्म दिया तो हम क्यों नहीं डांटे? हमने जन्म दिया, हमने वो, हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, हम क्यों नहीं डांटे? इसीलिए बस भगवान को सामने लाओ. कैसे रहना? नो क्वेश्चंस. भगवान को सामने लाओ, एक माता बन के, एक पिता बन के, एक बंधु बन के, एक सखा बन के कैसे वो हम सब की पालना कर रहा है वो सीखो. इससे ज़्यादा भगवान से बड़ी सीख हमको किसी से भी नहीं मिल सकता है, बिकॉज ही ओनली कैन गिव अस सॉल्यूशंस. जो एक ही उपाय है, प्यार. एंड यहाँ पर भगवान हमको और एक बात सिखाते हैं, टेक द डिग्री ऑफ LLB. व्हाट इज दैट LLB? लव, लॉ, बैलेंस. क्योंकि इमीडिएट क्वेश्चन यही आता ना, हमेशा प्यार करो, उनको कुछ शिक्षा नहीं दो तो बच्चों को कैसे मालूम पड़ेगा, वो कैसे सुधरेंगे? LLB, व्हाट इज दैट? लव, लॉ, बैलेंस. प्यार भी दो, शिक्षा भी दो, लेकिन शिक्षा कैसे दो? प्यार, प्रेम स्वरूप बन के शिक्षा दो,
धर्मराज बन के शिक्षा नहीं दो, धर्मराज बन के शिक्षा देंगे। धर्मराज मतलब कौन सा धर्मराज? यम धर्मराज। ये अर्जुन वाला पांडव वाला धर्मराज नहीं, वो धर्मराज के रूप बन के आपको देखते ही बच्चे डर जाए, ऐसा धर्मराज बन के शिक्षा नहीं दो। ऐसा करेंगे तो सिर्फ आपके ऊपर डर ही पैदा होगा, बाकी उनको आप जो बोल रहे हो वो वैल्यू अंदर नहीं जाएगा। आप भले कहते हो मेरे शब्द को नहीं पकड़ना, समझे मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? आज से तुमको ऐसा करना है, उनको समझ में आएगा? योर हार्श वर्ड्स, योर एंग्री फेस, बस बच्चों के दिल में यही छप जाएगा। मेरी मम्मी कैसी है? अरे बाबा मेरी मम्मी छोड़ दो उनकी बात। मम्मी यहाँ है तो ज़्यादा, ये बच्चे दूसरे कमरे में, साथ में रहना पसंद नहीं कर रहे आजकल। आपको पता है कोविड के टाइम पे डिप्रेशंस क्यों बढ़ गए? क्योंकि कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था, सभी को एक ही कमरे में एक ही घर में बंद बैठना था। सो मच ऑफ संस्कारों का टक्कर फैमिली में ही, कि फैमिली मेंबर्स को ही बेयर करना मुश्किल हो गया, इसलिए बहुत सारे लोगों का मेंटल ट्रॉमा बढ़ गया। वेरी मिजरेबल फैक्ट। अरे जिस फैमिली के लिए हम इतना सारा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिस फैमिली को हम इतना प्यार करते हैं, उसी फैमिली बॉन्ड अगर प्योर नहीं है, लव से प्यार से भरा हुआ नहीं है, तो फिर क्या क्या किया आपने फैमिली बना करके? आप है ना रचयिता, फैमिली बनाया आपने, आपने शादी किया, बच्चों को पैदा किया, दैट मीन्स यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फैमिली, यू आर द ओनर ऑफ योर फैमिली, देन व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? रोज बच्चों को, बच्चों के साथ साथ में बैठो भोजन पे, उनको रोज रामायण की, महाभारत की अच्छी अच्छी मोरल स्टोरी सुनाओ। आजकल बच्चों को पंचतंत्र क्या है ये भी नहीं मालूम। आजकल बच्चों को पहले जमाने में वो चंदा मामा मोरल स्टोरीज वो आता था वो भी नहीं मालूम। बिकॉज आज कलयुग है, कलयुग का वातावरण ऐसा है, अगर बाहर ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है, सो इट इज़ नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर घर में ही इतना प्यार भरा हुआ, डिसिप्लिन भरा हुआ शिक्षा आप दो, कि बाहर जाने के बाद भी अगर वो ऐसा वैसा संग उनको मिले तो भी वो दिल से कहे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा शिक्षा दीजिए, ऐसे रोल मॉडल बनिए, पेरेंट मतलब कैसे होना चाहिए। आजकल सुपर मॉम करके किसको, प्रेग्नेंट वुमन को यहाँ पर हॉस्पिटल वाले लेकर आते हैं, क्यों? बच्चों को गर्भ में जब बच्चे हैं तब से बच्चों की नर्चरिंग करना शुरू करना है, ना कि वो बाहर आने के बाद। दिस इज व्हाट इज साइंटिफिकली प्रूवन। और आज हम बाहर आने के बाद भी अपने शब्दों से, अपने एंग्री फेस से, अपने अग्रेसिव नेचर से कुछ मॉरल्स हम नहीं सिखा पा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे फैमिली बना करके? हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप समझते हो ऐसे फैमिली आप नहीं बना सकते हो तो शादी नहीं करो, बच्चों को पैदा नहीं करो, नरक में नहीं डालो, सीधी सीधी बात। बिकॉज यू आर अलविंग वन सोल टू एंटर इन टू योर होम, नॉट टीवी इज कमिंग टू योर होम, not a non-living thing is coming into your home, a living soul who has complete life before him or her, ऐसे प्राणी को आप गलत रीति से अपने tensions, अपनी rude behavior उन पर डाल के you don't have any authority ये सब करने के लिए, please। ऐसा नहीं कर सकते हो, बच्चों को पैदा नहीं करो प्लीज, नरक में नहीं डालो बच्चों को। तो हम सभी अभी
अपने सुप्रीम फादर के पास जाएंगे, उनसे शक्ति लेंगे और उन जैसा हम सभी आदर्श पेरेंट बनेंगे। सभी सीधा बैठिए। Imagine yourself as God's children. You are a soul, and your soul father is the Supreme Soul. एक आदर्श पेरेंट के सामने बैठे हूँ जो परमात्मा है। हे भगवान, आप हमारे माता भी हो, पिता भी हो, बंधु सका, आप सर्वस्व हो। Take those powerful rays from the Supreme Parent. भगवान की चित्र छाया के नीचे आप भी प्रेम स्वरूप बन रहे हो। के घर में परमात्मा की किरणें पड़ रही है। ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर रिसीविंग गॉड्स पावर। ईच एंड एवरी सोल इज गेटिंग एम्पावर्ड। Thank you.
all the souls, your family members, by receiving God's power, are getting empowered. और आपका घर मंदिर जैसा बन रहा है. घर घर स्वर्ग बन रहा है. और आज से आप सभी आपके फैमिली मेंबर्स को आत्मा के रूप में देखेंगे. छोटे बच्चे बड़े सभी आत्मा हैं. सभी भगवान के बच्चे हैं. इसी आत्मिक नजर से सभी को देखेंगे. ओम शांति.